डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। इंद्र कुमार जी, ठीक है, कितों आए सी? मैं दारे तो जी बैंक आया पैसे कढ़ाने। तो मैं बैंक की पेमेंट लेके बाहर निकलिया, बैगेज मोटरसाइकिल पैसे पाए है, तो फिर मैं अनाज मंडी चला जाना। अनाज मंडी जो मैं वापस उतों आना ट्रैक्टर का पता करके डी ए पी पवाना उतों, तो फिर मैं कुछ एच पी का फोन आया क्या सरिया लेना, मैं तुम्हें पता करके फिर मैं सरिया दुकान से सीधा इतने आना। इतने आके मंदिर रेट पूछा है, रेट करके 5-7 मिनट मिलने बाहर आने पैसे आए। मोटरसाइकिल बैग। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट आपको मंडी डबवाली ट्राई सिटी से दे रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर पहले गांव अहमदपुर दारेवाला से आए किसान के बैग में रखे, बाइक के बैग में रखे 5 लाख से ज्यादा की रकम बाइक पर आए 3 बदमाश वहां से निकाल कर फरार हो गए हैं। सबसे पहले आपको घटनाक्रम दिखाते हैं। ये चौटाला हाईवे 54 पर, यही वो पंजाब स्टील ट्रेडिंग आयरन स्टोर था, जहां पर किसान अपने सरिये का भाव जानने के लिए अपने बाइक को बाहर रोककर अंदर प्रवेश करता है और उसे करीब यहां से 4-5 मिनट उसे अंदर देरी हो जाती है बातचीत करते हुए। लेकिन उसने अपने बाइक को, जो कि उसका स्प्लेंडर बाइक था, उसको बाहर खड़ा किया था और उसके बैग के अंदर कोई चेन नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर 5,20,000 रुपये की रकम एक मोमी लिफाफे के अंदर लपेट कर रखी गई थी। और इसी रोड के ऊपर, जो कि एक अपाची बाइक के ऊपर, 3 बदमाश आते हैं और 2 इससे आगे आपको दिखाते हैं, ढिल्लो एग्रीकल्चर एक वर्कर्स है, उसी नीम के नीचे अपने बाइक को खड़ा करते हैं और उनमें से करीब एक 14 साल की उम्र का एक लड़का उस बाइक से नीचे उतर कर आता और इस यहाँ पर रोकी कि किसान की जो बाइक थी उसमें से करीब 5,20,000 रुपये की जो रकम थी वो इस बैग से निकाल कर वहाँ से वो तीनों बाइक पर चढ़कर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद अब पूरी डबवाली पुलिस यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज सामने आई, जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है, मौके पर पहुंची पुलिस तमाम तरीके से जाँच में जुटी है। लेकिन एक तरीके से डबवाली ट्राई सिटी में लगातार जो छीना छपटी की बात करें, चोरी की बात करें, इस तरीके की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन पुलिस ने घटना के देर बाद जाकर यहां पर चुस्ती जरूर दिखाई है, लेकिन अब शायद उस चुस्ती का इतना फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इससे पहले अगर सीमाएं सील की जाती तो शायद पुलिस को सफलता जल्दी मिल जाती। लेकिन पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों से लैस यह शहर है, अधिकतर कैमरे अभी तक काम कर रहे हैं, लेकिन ढिल्लो एग्रीकल्चर और पंजाब आयरन का खुद का जो कैमरा है, दोनों कैमरों में वो पूरी वारदात कैद हो गई है, जहां पर अहमदपुर दारेवाला से सुरेंद्र नामक किसान था, जो अपने एचडीएफसी बैंक है वहां से उसने अपने लिमिट के 5,30,000 रुपए की रकम निकलवाई थी, जिनमें से 10,000 रुपए उसने अपनी ऊपर की जेब में डाल लिए थे और 5,20,000 रुपए की रकम एक मोमी लिफाफे के अंदर डालकर उसको बाइक की जो एक थैला उसके साथ हैंगिंग वाला उसके अंदर उसने डाल दिए थे, जिनमें से जो 4 लाख है वो 500-500 रुपए की 8 गट्टी थी और बाकी 1,20,000 रुपए के 200-200 के नोट की बाकी की जो 12 गट्टियां बनती है वो थी। तो कुल मिलाकर 5,20,000 रुपए की रकम थी और उसी रकम, ये जरूर कहा जा सकता है कि उस किसान की बैंक से रैकी की गई होगी। और उसके बाद जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखें तो पता चलता है कि वो लोग इस बाइक का लगातार पीछा कर रहे थे। किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार पैसा निकाल कर उसे PNB बैंक में अपनी लिमिट को गोरीवाला में जाकर उसने डलवाना था, लेकिन HDFC बैंक से अपने तमाम पैसों को निकालने के बाद किसान निकलवा कर वहाँ से पहले अनाज मंडी पहुँचता है, वहाँ से फिर उसे ज़रूरी काम के लिए ये पंजाब आयरन के ऊपर सरिया खरीदने के लिए आना था, यहीं पर बाहर अपने बाइक को रोकता है और बाइक को रोकने के सिर्फ 2-3 मिनटों के बाद ही उसका पीछा करते हुए अपाची बाइक, जिसके ऊपर नंबर प्लेट नज़र नहीं आ रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि डबवाली पुलिस भले ही कितने चालान काट रही हो, लेकिन अभी भी शहर में बिना नंबर प्लेट से घूमते बाइक आपको नॉर्मल दिखाई देंगे और इससे पता लगता है कि चोरों का पीछा करना पुलिस के लिए कितना मुश्किल काम होगा, क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज तो सामने आई है लेकिन उस बाइक पे कोई नंबर नहीं है, ना आगे का नंबर ना पीछे का नंबर, तो ऐसे में पुलिस के लिए मुश्किलें हैं। लेकिन ये लंबे वक्त से देखा जा रहा है कि पुलिस चालान काटने में मस्त रहती है, लेकिन ऐसे लोग अमूमन हमारे कैमरे में कैद होते हैं जिन बाइक्स के ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं होती है, यानी कि अज्ञात
तरीके से जो लोग अपने बाइक के ऊपर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और फिर पुलिस कार्रवाई के नाम पर व्यस्त हो जाती है। लेकिन ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं जो कि डवाली ट्राई सिटी में, हालांकि पिछले कुछ दिनों से बड़ा अमन चैन था, कुछ हद तक चोरी की घटनाएं थमी थी, लेकिन आज इससे पहले एक बाइक चोरी हुआ शहर से, और अब जो किसान अपने HDFC बैंक से लिमिट के पैसे निकाल कर निकलवाने के बाद वापस अपने घर के लिए रवाना हुआ था और रास्ते में वो चौटाला हाईवे पर इसी पंजाब आयरन स्टोर पर रुका और रुकने के बाद सिर्फ 2-3 मिनटों के भीतर उसके बाइक के जो थैले में रखे 5,20,000 रुपये की रकम थी वो वहाँ से बदमाश निकाल कर वहाँ से फरार हो गए हैं। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन बाइक्स के चालान इंपाउंड करना है जो लोग बिना नंबर प्लेट के सड़क पर दौड़ते हैं। इंद्र कुमार जी, ठीक है, मैं तारे जी बैंक आया पैसे कटाने, तो मैं बैंक की पेमेंट लेके बाहर निकलिया, बैगेज मोटरसाइकिल पैसे पाए है, तो फिर मैं अनाज मंडी चला जाना, अनाज मंडी जो मैं वापस उतू आना ट्रैक्टर का पता करके DAP पवाना उतू, तो फिर मैं कुछ HP का फोन आ जाएगा सरिया लेना, मैं तुम्हें पता करके फिर मैं सरिया दुकान से सीधा इतने आना, इतने आके मंदिर रेट पूछे पर रेट करके 5-7 मिनट मिलने बाहर आने पैसे आए मोटरसाइकिल बैग 5-30 कटाए थे 10,000 मेरी जेब है 5-20 होंगे जाए HDFC लिमिट के पैसे हाँ जी बैंक में भरने PNB बैंक भरने थे हाँ मैनू नहीं पता सी पिछे कर रहे मैं तो निकले बाद ही पता लग्या भी निकले की काम करते हो खेती बाड़ी करते की नाम क्या सुरेंद्र कुमार जिसमें सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है जो दारेवाला अहमदपुर दारेवाला गांव का रहने वाला है। इन्होंने HDFC बैंक से अपने लिमिट के पैसे निकलवाए थे 5,30,000 रुपये। ये यहाँ से पैसे निकलवा के और अनाज मंडी के अंदर गया था, वहाँ पर अपना कोई हिसाब किताब था वो सेठ से उनसे वो हिसाब किताब करके एक पंजाब आयरन स्टोर के पास इन्होंने अपना मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया और जो 5,00,000 रुपये जो कैश था वो मोटरसाइकिल के बैग में रखा हुआ था। इन्होंने वो सड़क के किनारे मोटरसाइकिल खड़ा करके ये उस दुकान के अंदर चला गया। करीब मोटरसाइकिल खड़े हुए को 4-5 मिनट हुए थे, एक लड़का जो 18-19 साल का है वो उस बैग को खोल के और उस बैग में से पैसे निकाल के वहाँ से चला गया और ये किसान उस दुकान के अंदर करीब 10-12 मिनट तक रुका है। जब इसने वापस आके देखा तो उसके अंदर कैश नहीं था, तो अभी हमारे को उन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट की है। इस संबंध में हम साइबर सेल की सहायता ली जा रही है और CCTV कैमरों को चेक करने के लिए टीम नियुक्त की गई है और एक टीम जो है पंजाब के अंदर हमारी रेड कर दी है इसके, तो CCTV कैमरों के अंदर जो फुटेज आई उसके आधार पर हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इसको टेस्ट करने के लिए।